रहे हैं प्रोग्राम पंजाब की आंख और मैं हूं सादिया नूर। नाज़रीन, हमारा मुल्क मुल्के पाकिस्तान अमन का गहवारा कहलाता है, लेकिन इसी मुल्क में मौजूद कुछ लुटेरों की वजह से मुल्के पाकिस्तान का अमनो अमान ख़त्म हो रहा है। आए रोज़ कहीं कोई कत्ल हो रहा है तो कहीं चोरी और डकैती का मामला सामने आता है, कहीं कोई अगवाकारी जारी है तो कहीं लोगों का दूसरे लोगों पर ज़ुल्मो बर्बरियत हो रहा है। नाज़रीन, इन सब वाक़ियात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तो मौजूद है, मगर अफसोस इसी पुलिस महकमा में मौजूद कुछ लोगों की वजह से पुलिस का महकमा बदनाम हो चुका है। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में पुलिस हर जगह हर शहर में मौजूद है, मगर सद अफसोस के पुलिस के अमला में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस सरकारी वर्दी में बैठे तनख्वाहें हड़प रहे हैं। नाज़रीन, आजकल लोग असले की नुमाइश करते सरेआम फिर रहे हैं, मगर शायद वो ये नहीं जानते कि इस असले से जिसको वो महज एक खिलौना समझते हैं उससे किसी की जान भी जा सकती है। नाज़रीन, डकैती का धंधा भी आजकल अरूज पर है। इसी तरह का एक वाकया शोरकोट में पेश आया, जहां दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई। डाकू लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए, यहां तक कि डाकुओं ने फायरिंग भी की और उनकी फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। शोरकोट में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार, डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शोरकोट लारी अड्डा में वाकया, रहमत ट्रेडर्स होंडा शोरूम पर इलियास नामी कैशियर बैंक से रकम निकलवाकर पहुंचा। डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की, कैशियर की मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर शोरूम पर काम करने वाला मोटरसाइकिल मैकेनिक शदीद जख्मी हो गया। वाकया की इतला मिलते ही डीएसपी सर्कल शोरकोट आफताब अहमद सदीकी, एसएचओ थाना शोरकोट सिटी उस्मान खान लाशारी मारूफ खालिद मलिक मंजर खोकर पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। वाकया के जख्मी को रेस्क्यू, 112 शोरकोट की टीमों के बर वक्त न पहुंचने की सूरत में अपनी मदद आपके तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर हालत तश्वीशनाक होने की सबब से जख्मी को निस्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमारी आज की क्राइम स्टोरी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।